हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल एंड आज की वीडियो में हम गाइडलाइन जानेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दी गई हैं आपके स्कूल को रीओपन करने के लिए 21 सितंबर को, जो आपका स्कूल रीओपन हो रहा है। आई नो कि सभी बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल, और किसी को बहुत खुशी भी हो रही होगी कि हमारा स्कूल खुल रहा है, और किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा या अलग अलग थॉट्स होंगे मन में। तो चलिए पहले हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। तो 5 महीने बाद आप लोगों का स्कूल फिर से रीओपन होने जा रहा है 21 सितंबर को। तो हम सीधे गाइडलाइंस पे आते हैं। जनरल गाइडलाइंस ओनली स्कूल्स, पहली हमारी, सिर्फ वही स्कूल्स खुलेंगे जो कि कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। जो भी स्टूडेंट और टीचर है और जो भी स्टाफ है वो सब लोग अलाउड नहीं है अगर वो कंटेनमेंट जोन से हैं। और स्टूडेंट एंड टीचर्स को एडवाइज़ किया जाता है कि वो विज़िट ना करें कंटेनमेंट जोन्स में जब वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। स्कूल्स डेट वर यूज एज क्वारंटाइन सेंटर्स, जो स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे लॉकडाउन में, उनको पहले प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाए, डीप क्लीन किया जाए, तभी उनको वापस स्कूल बनाया जाए। थर्ड है हमारा जेनिक प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का वहाँ ध्यान रखना होगा, मैंडेटरी यूज़ ऑफ फेस कवर्स, मास्क हमेशा पहन के रहना होगा वहाँ पे, पूरा प्रिवेंशन का आपको वहाँ ध्यान रखना होगा स्कूल जाते वक्त। फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, रिपोर्टिंग ऑफ एनी इलनेस टू बी फॉलोड, ठीक है। रेस्पिरेटरी एटिक्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वन्स माउथ एंड नोज वाइल कफिंग स्नीजिंग विद अ टिश्यू हैंडकरचीफ, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड डिस्पोजिंग ऑफ यूज टिश्यू प्रॉपरली, स्पिटिंग टू बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जो भी रेस्पिरेटरी से लेकर आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर स्नीजिंग है, कफिंग है, तो आपको उसके लिए पहले टिश्यू यूज़ करना होगा, टिश्यू हैंडकरचीफ से हमेशा उसे, अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो टिश्यू से कवर रखिए, नहीं तो अगर वो भी नहीं है तो जो एल्बो को फ्लेक्स करके स्नीज करते वक्त एल्बो को रखिए और टिश्यू को सही जगह पर ही फेंकिए, और स्पिट करना कहीं पे भी ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फिफ्थ है इंस्टॉलेशन ऑफ यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों के फ़ोन में होना चाहिए, चाहे वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट या स्टाफ, अगर वो स्टूडेंट को फ़ोन ले जाना अलाउड है तो। नाउ सिक्स्थ, द गाइडलाइंस ऑल्सो सजेस्ट कंडक्टिंग क्लास इन ओपन स्पेसिस विद इन द स्कूल कैंपसेज वेदर परमिटिंग। एक गाइडलाइन ये भी है कि जो स्कूल की क्लासेस हैं वो कंडक्ट किए जाएँ ओपन स्पेसिस में, स्कूल के कैंपस के अंदर, वेदर को देखते हुए। अगर 7th हमारा, अगर किसी के स्कूल में एयर कंडीशनिंग है, वेंटिलेशन है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका रेंज 24 से 30 ही होगा, और ह्यूमिडिटी का रेंज 40 से 70%, ठीक है। नाउ हमारा 8th पॉइंट क्या है, प्रायर टू रिजप्शन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल वर्क एरियाज इंटेंडेड फॉर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। मतलब कि सारे जो भी स्कूल में आपके एरियाज़ हैं, टीचिंग का जो भी एरिया है, डेमोन्स्ट्रेशन का जो भी एरिया है, लेबोरेटरीज़, उन सबको पहले सैनिटाइज किया जाएगा 1% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, और जिससे कि वो, और कहीं पे भी टच करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा। 9th है मैंडेटरी हैंड हाइजीन एंड थर्मल स्क्रीनिंग प्रोविज़न टू बी मेड एट एंट्रेंस। तो जो भी आपका स्कूल का एंट्रेंस गेट है उस पर हैंड हाइजीन मतलब सैनिटाइज करने के लिए कुछ होना चाहिए वहाँ पे, और थर्मल स्क्रीनिंग का पूरा वहाँ पे सेटअप होना चाहिए। स्कूल्स को ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि वहाँ पे मल्टीपल गेट्स हों, एंट्री और एग्ज़िट का गेट अलग अलग हो, जिससे कि परेशानी ना हो ज़्यादा, और जो बाहर के विजिटर्स हैं उनको स्कूल में ना एंटर किया जाए। 10th है हमारा सिम्टोमेटिक पर्संस, अगर कोई पर्सन सिम्टोमेटिक है, उसे कोरोना का कोई भी सिम्टम है, तो जैसे कि चाहे वो टीचर हो, स्टाफ हो, स्टूडेंट्स हो, वो लोग स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है, उनको रिफ़र किया जाता है कि वो लोग नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाएं। नाउ अभी क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला, सिटिंग अरेंजमेंट टू इंश्योर अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट बिटवीन चेयर्स, चेयर और डेस्क के बीच में 6 फीट का, एक दूसरे की चेयर्स के बीच में हमारे में 6 फीट का डिफरेंस होगा।
सेकेंड है स्टेगरिंग ऑफ गाइडेंस एक्टिविटीज टू बी डन विद सेपरेट टाइमिंग स्लॉट्स टू अलाउ फॉर एडिक्वेट फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड डिसइनफेक्शन ऑफ क्लासरूम प्रीमिसेस। ये गाइडेंस भी दी गई है कि एक सेपरेट टाइमिंग स्लॉट में सारी फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी देखा जाएगा और जो भी क्लासरूम प्रीमिसेस में सब कुछ डिसइनफेक्ट किया जाएगा। थर्ड है द टीचिंग फैकल्टी विल इंश्योर दैट दे देमसेल्व्स एंड स्टूडेंट्स वियर मास्क थ्रू आउट द कंडक्ट ऑफ द टीचिंग गाइडेंस एक्टिविटीज। टीचर को ये ध्यान रखना है कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो टीचर के पे भी मास्क होना चाहिए चेहरे पे और बच्चे भी मास्क पहने हुए होने चाहिए। और ये चौथा पॉइंट, ये तो मतलब नॉर्मल है हम लोगों के बीच में, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी है। शेयरिंग ऑफ आइटम्स की कह देते ना, ये तो बहुत ही कॉमन है कि यार एक पेन दे दे, आज मैं पेन नहीं लाया, पेंसिल दे दे, ये सब प्लीज़ मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। शेयरिंग ऑफ आइटम्स बिल्कुल मना है। जो नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, वाटर बॉटल जो मांगते हैं, लंच वगैरह करते हैं, वो मत कीजिएगा। फिफ्थ है एक्टिविटीज़ इन कॉमन एरियाज वुड हैव टू कंडक्टेड वाइल मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंसेस। जो भी एक्टिविटीज़ होती थी कॉमन एरियाज़ में, जैसे कि अगर आपकी लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो वो सब में एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग होना, मेंटेन होना चाहिए। सिक्स्थ हमारा एक्टिविटीज़ लाइक असेंबलीज हो रही हैं तो वो अब नहीं होंगी, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, क्राउडिंग नहीं होगा कहीं पे भी, ओवर क्राउडिंग वो सब परमिट नहीं है। अगर किसी के स्कूल में सेवन पॉइंट में स्विमिंग पूल है तो वो लोग वहाँ पे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसे खोलने के लिए स्कूल कैफेटरी सब बंद रहेगा। और एक पॉइंट और है कि आपको स्कूल तभी जाना है जब अगर आपको कोई डाउट है, नहीं तो वैसे कोई रेगुलर क्लासेस के लिए नहीं है। स्कूल आपको तभी जाना है जब अगर आपको कोई डाउट है, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप जाके स्कूल में पूछ सकते हैं। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अगेन पॉइंट आउट दैट स्कूल्स आर नॉट बीइंग रीओपन फॉर रेगुलर क्लासेस। अगर आप लास्ट पैरा में देखें तो द स्टूडेंट्स कैन गो टू देयर स्कूल्स टू क्लियर डाउट्स फॉर प्रैक्टिकल क्लासेस एंड लेसन्स। दिस इज स्ट्रिक्टली वॉलेंट्री, मतलब कि ये आपके ऊपर है, आप जाना चाहें तो जाइए, कोई वो नहीं है आपके ऊपर कि आपको जाना ही है स्कूल। अटेंडेंस का भी इसमें कुछ नहीं है कि 75% कंपलसरी जो थी अब वो, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स को अटेंड करने के लिए क्लास को। और जो ऑल्सो पर्सन एट हाई रिस्क हैव बीन एडवाइज टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और प्लीज़ मुझे एक बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन बच्चा चाह रहा है कि स्कूल रीओपन हो और कितने बच्चे नहीं चाहते हैं कि स्कूल रीओपन हो। क्या लगता है आपको अपने हिसाब से कि स्कूल रीओपन होना चाहिए और रीओपन नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उस तरीके से आई थिंक स्कूल खोलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट तो करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ मेरा चैनल। बाय।